हेलो दोस्तों, एफर्टलेस जीके के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ साथ यूट्यूब में एफर्टलेस जीके के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। अक्सर ये कहा जाता है कि इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसकी रचना भी कर सकता है। कल्पना वो वर्कशॉप है जहाँ इंसान द्वारा बनाए गए सभी प्लान जो है सही आकार में ढलते हैं। पिछले 100 सालों में इंसान ने कल्पना के बल पर जितनी प्रगति की है उतनी मानव जाति के इतिहास में कभी नहीं की गई। अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने सोचा पक्षों की तरह ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इंसान भी हवा में उड़े। फिर उन्होंने कल्पना की कि किस तरह इंसान उड़ सकता है और उसी कल्पना शक्ति का परिणाम है कि उड़ने के मामले में इंसान ने पक्षियों को भी पीछे छोड़ दिया है। कल्पना के बल पर ही इंसान चंद्रमा पर पहुंच गया है। थिंक एंड ग्रो रिच के पिछले वीडियोस में हमने विचार ही वस्तु, विल पावर, आस्था यानी कि फेथ और ऑटो सजेशन के बारे में विस्तार से जाना था। इस वीडियो में हम कल्पना यानी इमेजिनेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान हैं, तो देश की सबसे अच्छी, बड़ी और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा, और ब्रोकरेज लगेगा भी तो केवल इंट्राडे ट्रेड में, वो भी मैक्सिमम 20 रूपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आदि मानव से आज तक इंसान अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो अपनी कल्पना शक्ति के प्रयोग से विकास के शिखर पर अभी नहीं पहुंचा है। अभी तो केवल हम इतना ही समझ पाए हैं कि कल्पनाशीलता है और बहुत ही शुरुआती तरीके से इसका इस्तेमाल करना हमने शुरू किया है। कल्पना दोस्तों दो रूपों में काम करती है। पहली है सिंथेटिक इमेजिनेशन। इस तरह की कल्पना शक्ति में इंसान अपने पुराने विचारों और अवधारणाओं के आधार पर कल्पना करता है। इस कल्पना शक्ति से इंसान बहुत कुछ नई कल्पना नहीं करता है। जैसे अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप सोचे कि आपका प्रमोशन हो जाए, आप कोई बड़ी कार ले आए आदि इत्यादि। दूसरी है क्रिएटिव इमेजिनेशन यानी रचनात्मक कल्पना। कलाकार, संगीतकार, कवि, लेखक और बिजनेसमैन आदि महान इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने क्रिएटिव इमेजिनेशन यानी कि रचनात्मक कल्पना की ताकत को विकसित कर लिया है। क्रिएटिव इमेजिनेशन के द्वारा ही इंसान का सीमित दिमाग असीमित विचारों से सीधा कनेक्ट होता है। ये वो शक्ति है जो हमें कुछ नया और अलग करने की इंस्पिरेशन देती है, प्रेरणा देती है। इसी शक्ति के द्वारा नए विचार इंसान को मिलते हैं और इसी शक्ति के द्वारा कोई इंसान दूसरे इंसान के सबकॉन्शियस माइंड के साथ संवाद यानी कि बातचीत कर पाता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन अपने आप काम करती है, लेकिन ये इमेजिनेशन, ये कल्पना तभी कार्य करती है जब आपका कॉन्शियस माइंड बहुत तेजी से काम कर रहा हो। जैसे जब आपके कॉन्शियस माइंड में कोई स्ट्रांग डिजायर हो तो आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन तेजी से काम करने लगती है। सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन दोनों तरह की इमेजिनेशन का जो इंसान जितना इस्तेमाल करता है उतना ही ये पावरफुल बन जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह जिम जाने से हमारा शरीर मजबूत बन जाता है, हो सकता है कि जब तक हम अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते तो ये थोड़ी कमजोर हो जाती है, लेकिन इसे प्रयोग के द्वारा भी फिर से जगाया जा सकता है और मजबूत बनाया जा सकता है। ये शक्ति कभी नहीं मरती। हालांकि ये हो सकता है कि इस्तेमाल न करने के कारण ये सोई हुई हो। विचार अमीरी का शुरुआती बिंदु है। विचार कल्पना द्वारा पैदा होते हैं। अपनी इमेजिनेशन का प्रैक्टिकली इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसे एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण से समझते हैं। अमेरिका में एक युवा फ्रैंक डब्ल्यू गुंसालेस जब कॉलेज में पढ़ता था तो उसे कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम से बहुत सारी गलतियां नजर आती थी। उसे लगता था कि अगर ये कॉलेज का हेड बन जाए तो वो इन कमियों को दूर कर सकता है। उसने अपने मन में ये ठान लिया कि वो नया कॉलेज बनाएगा जिसमें वो अपने विचारों को आजमाएगा और एजुकेशन के पुराने तरीके से हटकर कुछ नया करेगा। लेकिन उसे अपने इस प्रोजेक्ट के लिए करीब $10,00,000 की जरूरत थी। वो इतनी बड़ी रकम कहाँ से जुटा पाएगा, ये सवाल उसके दिमाग में हर वक्त चलता रहता। उसे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। वो अपनी इच्छा को लगातार अपने दिमाग में सोचता रहा जब तक कि ये विचार उसकी दीवानगी ना बन गया। एक दिन युवा फ्रैंक डब्ल्यू गोंसाल्स ने सोचा कि वो पिछले 2 सालों से ये सोचता ही रहा है, लेकिन उसने सोचने के अलावा कुछ नहीं किया है। दोस्तों उसने तय कर लिया कि अब काम करने का टाइम आ गया है। उसने ये तय कर लिया कि एक सप्ताह में $10,00,000 की राशि जुटा लूंगा। कैसे वो ये नहीं जानता था, बस इम्पोर्टेंट बात ये निर्णय लेना था कि वो उन पैसा निश्चित समय सीमा में जुटा लेगा। और जिस क्षण उसने ये निश्चित किया कि वो जरूरी पैसा जुटा लेगा, उसे अजीब सी राहत महसूस हुई। उसने अगले दिन अखबार में एक एडवर्टीजमेंट डाला और कहा कि वो एक सेमिनार का आयोजन कर रहा है जिसका टॉपिक है अगर मेरे पास $10,00,000 हो तो मैं क्या करूंगा।
युवा डब्लू गोंजालेस अपने भाषण की तैयारी में जुट गया। उसे भाषण लिखने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई क्योंकि वो पिछले 2 साल से इसकी तैयारी कर रहा था, लेकिन जिस दिन उसे भाषण देना था वो अपने लिखे हुए नोट्स घर पर ही भूल गया। ये गलती उसके लिए वरदान साबित हुई। उसकी सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी था उसने ऑडियंस के सामने बोल दिया। उसने बोला कि किस तरह अगर उसके पास $10,00,000 हो तो वो एक महान एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकता है जहां पर युवा प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाएंगे। जब वो भाषण खत्म कर अपनी कुर्सी पर बैठा तो पीछे से एक आदमी धीरे से उसके पास आकर बोला, मुझे आपका भाषण बहुत पसंद आया, मुझे विश्वास है कि आपने जो कहा है आप वो सचमुच कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास $10,00,000 हो। मुझे आप में पूरा विश्वास है, मैं आपको $10,00,000 दे सकता हूँ अगर आप कल सुबह मेरे ऑफिस में आ जाए। मेरा नाम है फिलिप डी आर्मर। युवा गोंसालेस मिस्टर आर्मर के ऑफिस में गए और उसे $10,00,000 मिल गए। उस पैसे से आर्मर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की नींव डाली गई, जिसे अब इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये $10,00,000 उसके पास एक विचार के परिणाम के रूप में आए। इस विचार के पीछे एक इच्छा थी जिसे युवा गोंसालेस अपने दिमाग में लगभग 2 सालों से पाल रहा था। इस महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ ध्यान दीजिए, जब वो अपने दिमाग में निश्चित निर्णय पर पहुंच गया और उसने इसे हासिल करने की एक निश्चित योजना पर अमल करने का फैसला किया तो उसके 36 घंटे के बाद ही उसे ये पैसा मिल गया। दोस्तों, इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस सिद्धांत ने युवा गोंसालेस को $10,00,000 दिलाए थे वो सिद्धांत आज भी जीवित है। ये सिद्धांत आपके लिए भी काम कर सकता है। ये शाश्वत नियम आज भी उतने ही काम का है जितना कि ये पहले उस युवा के काम का था जिसे अपने इरादों में जबरदस्त कामयाबी मिली थी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये विश्वास करते हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत और ईमानदारी से ही अमीरी आ जाएगी, तो इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दें। ये सच नहीं है। अमीरी जब भी प्रचुरता में आती है तो ये सिर्फ कड़ी मेहनत की बदौलत नहीं आती है। अमीरी निश्चित मांग की प्रतिक्रिया के स्वरूप आती है और ये कुछ निश्चित सिद्धांतों के प्रयोग पर आधारित है। इसका किस्मत या भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। विचारों की कोई औसत या निर्धारित कीमत नहीं होती दोस्तों। विचारों का रचयिता अपनी खुद की कीमत तय करता है और अगर वो स्मार्ट होता है तो उसे वो कीमत मिल जाती है। व्यवहारिकता की दृष्टि से हर अमीरी की कहानी उस दिन से शुरू होती है जब विचारों का एक रचयिता और विचारों का एक विक्रेता इकट्ठा होते हैं और मिलकर काम करते हैं। हर अमीर आदमी अपने आसपास ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लेता है जो वो सब कर सकते हैं जो वो अमीर आदमी नहीं कर सकता। लोग जो विचारों को जन्म देते हैं, लोग जो उन विचारों को कर्म में परिवर्तित कर सकते हैं और उन्हें और दूसरों को बेहद अमीर बनाते हैं। करोड़ों लोग जिंदगी भर ब्रेक या मौके की तलाश में रहते हैं। हो सकता है उनकी खुशकिस्मती से उन्हें यह मौका मिल भी जाए, लेकिन सबसे सुरक्षित योजना यही है कि किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर ना बैठा जाए, मौका बनाने की कोशिश करते रहें, अपनी कल्पना के दरवाजे हमेशा खुले रखें। बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आप सभी से एक सवाल है, आप अपनी कल्पना में क्या देखते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो थिंक एंड ग्रो रिच सीरीज का 7वां वीडियो है। अगर आपने पहले के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखें। उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर effortlessgk को जरूर फॉलो करें और ऐसी ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ेरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।